जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रात के 11:04 हो चुके हैं और आप टीवी के सामने बैठे हुए हैं, और यकीनन बैठे क्यों हैं कि आपको शोज़ वगैरह देखने हैं। और PSL भी चल रही है, PSL नहीं चल रही, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और बड़े मज़े का कप चल रहा है। लेकिन कप के साथ चल रही है शदीद किस्म की गर्मी, और गर्मी का हल ज़रूर निकालना है, वरना तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग आपके पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर गर्मी की वजह से मर चुके हैं। और ये बेवकूफ़ी की मौत होती है, कोई शहादत की मौत नहीं है, या बंदा वो मौत नहीं कह सकता कि क्योंकि आप अपनी अगर ख्याल नहीं रखेंगे अपना, तो आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से जो है वो गर्मी डैमेज कर सकती है। इस गर्मी को रोकने के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं जिनका बाहर जाना है, मोटरसाइकिल पर जाना है, तो मोटरसाइकिल के अंदर फोम होता है, फोम को कोशिश करें कि गीला कर लें जब अपने सर पर लपेटें, ताकि आपका सर जो है वो ठंडा रहे। ये आपने कोशिश करनी है कि जो ही गर्मी से आप आएँ तो यक दम अपने ऊपर नहाना नहीं है, ठंडे यक पानी से ही अपने ऊपर गर्म पानी की बोतल नहीं फेंकनी। स्लो एंड स्टडी प्रोसीजर है, थोड़ा देर वेट करें, पंखे के नीचे बैठ जाएं, थोड़ा खुद को रिलैक्स कर लें, उसके बाद जो है वो आपने ये सिलसिला शुरू करना है। वो भाई हमारे जो रेडी बान हैं, जो ट्रैफिक पुलिस में हैं, या जिनका आउटडोर जो है ऐसा काम है जिनको हल्की फुल्की धूप के साथ अट्रैक्शन होती रहती है और धूप के अंदर रहना उनकी मजबूरी है, वो गीला कपड़ा करें और गीला कपड़ा करके अपने सर पे रखें, ताकि वो जितना देर खुश्क रहेगा, गीला रहेगा, उतना उनका काम होगा, फिर वो यकीनन खुश्क हो तो दोबारा उसे करें। यही हमारी बहनों के लिए, लड़कियों के लिए भी है कि जब आप घर का काम कर रही हैं तो कोशिश करें कि बाहर जो सैन के बाहर जो जगह है जहाँ पर धूप है वो आप रात को काम कर लें, अर्ली मॉर्निंग कर लें, ताकि आपको धूप का सामना ना करना पड़े। तो इस हाई स्ट्रोक से अपने आप को बचाएं, इस गर्मी से आपको बचाएं, अपने आप को बचाएं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही गर्मी है, यकीनन आपको मालूम है कि पिछली दफ़ा जो सर्दियां पड़ी वो एक्सट्रीम लेवल की सर्दियां थी, कहा गया 2-3 दिन 4 दिन ऐसी सर्दी थी कि जो पहले आज तक इस सदी में नहीं हुई। इस दफ़ा गर्मी की भी वही अलामत है, यकीनन जो मई गुजार चुके हैं उनको मालूम है कि मई के अंदर इतनी गर्मी नहीं होती थी, और जून और जुलाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अगस्त तक ये सिलसिला, शायद अगस्त के बाद भी ये गर्मी का जारी रहे। तो इसलिए काम तो करना है, और यकीनन काम करना ज़रूरी है। अपने आप को रेडी रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा पानी ज़रूर पिएं, लेकिन पानी सिर्फ जो है वो आपके जिस्म के अंदर से नमकियात को निकाल के बाहर ले जाता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि नमकियात को बाहर लेके जाने के साथ साथ आप जूस का इंटेक करें, कि आपके जिस्म के अंदर नमकियात जाएं। आप फ्रूट का फ्रेश जूस ले सकते हैं, गन्ने का रस पी सकते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ जूसेस ऐसे हैं जो आप पी सकते हैं, और आप इन गर्मी की जो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं इनसे बच सकते हैं। चलते हैं जी एक अड्डे की जानब, यकीनन ये वो अड्डा है जो हमारा मशहूर तरीन अड्डा है, और हम इस अड्डे की जानब बढ़ते हैं। वहाँ पे वही हमारे भाई खड़े हैं, और वो देखते हैं कि आज गर्मी के सलाद में क्या कहते हैं, कि क्या कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे, या उनकी रक्षा की सवारियाँ पूरी होती हैं या नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो क्या हाल है जी आपका, ठीक है? ठीक ठाक ठीक ठाक। गर्मी बहुत है जी, मेरी बात सुन के कह रहे हो या पहले का ये टोटका आजमाया हुआ है? आपकी बात सुन के कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने इतना अच्छा मशवरा दिया है, तो हमने कहा क्यों ना आपके मशवरे पे अमल करें, इसलिए सबसे पहले मैं। अच्छा, वैसे लड़कियों को ज्यादा गर्मी लगती है? क्यों, लड़कियां इंसान ही होती है। मतलब ज्यादा से मुराद है कि वैसे तो जैसे सुना है ना हमने कि सर्दी नहीं लगती। हाँ, इतना है क्योंकि उनको आदत हो चुकी है साड़ी पहनने की और ये वो चीजों की, और लड़की का फैशन वैसे खाना बनाने की, बेसिकली लड़कियां ज्यादा चूल्हे के आगे खड़ी होती है, सेक वहाँ पे होते हैं ज्यादा, और उनको कभी कभी मैं कहती जिंदगी में छुट्टी नहीं मिल सकती, रिहर्सल जो है ना, तो वहाँ पे गर्मी आपको फेस करनी पड़ती है, और बर्दाश्त करने वाली औरत ही है। औरत की फ्रीडम की बात हो रही है जी, आजादी की बात हो रही है। हाँ। अच्छा जी, भाई साहब आपका कैसा काम है, रक्षा शिक्षा ठीक चल रहे हैं आपके? अच्छा जरा दिखाएं किस तरह बैठ के, किस तरह बैठ के फिर जरा दिखाएं जरा। अच्छा, वो चने क्यों नहीं बिक रहे जी? चने तो वैसे बड़ी एक अच्छी मरगूब खदा है, बंदे को खानी चाहिए। कहाँ से दो दिन से पानी नहीं चेंज, बर्तन धोता है वो, तो फिर
मैं क्या करूं, कहां से पानी लाऊं? आपको मलक जी पता है हर जगह पे पानी का मसला है, ऐसा फैला हुआ गर्मी की वजह से। तो अच्छा, आप तो पिछली दफा कह रहे थे कि पता नहीं आपने एमए किए हुए हैं और पता नहीं बड़ा कुछ, आप आर्टिस्ट भी हैं, फिर भी धक्के आप इधर ही खा रहे होते हैं, रक्षे ही चला रहे होते हैं, तो कुछ और काम कर ले। रक्षा के कितने का लिया जो पीछे खड़ा है? ये भी किस्तों में आया हुआ है? मतलब ये जैसे, अच्छा यार आपकी फिलॉसफी में हर दफा देखते हो मेरे से तुम बदतमीजी क्यों करते हो, ये बताओ। किससे बदतमीजी? मेरे से। वो बंदे चार बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, बदतमीजी वाला सवाल। मैंने कहा भाई बात ही है, पूरा मुल्क किस्तों में चल रहा है, हां इसमें बदतमीजी नहीं बोल रहे हो तुम, ये इशारे क्यों करते रहते हो? ये इस तरह ये वाले अभी कोई लड़की आ जाए तो तुम्हारी लाले टपकना शुरू हो जाती है तुम्हारा। नहीं, हम अपने अद्भुत वगैरह नहीं उसी कर रहे हैं। कितनी शादियां की हैं फुटपाथ छोड़ देंगे जी, कब्जा किया हुआ है ना फुटपाथ पे तुम दोनों ने? हाँ वो मैंने, अच्छा नजुमी का काम तुम भी जानते हो? नजुमी से कभी पैसा कमाया? मतलब हाथ वगैरह देखते हो या क्या? अच्छा मेरे माथा देखो क्या लगता है, ये मतलब दुआ है? दुआ है, इसके बाद तेरा थोड़ा सा। अच्छा मतलब तू कह रहा है मैं 10 साल और दिल्ली लूंगा? 10 साल दिल्ली और यहाँ पे बड़े बड़े जो है ना प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छा सर, दुआ है। अच्छा सर ठीक है सर। अच्छा ये मतलब नजूमी नहीं है, तू अपनी शो अगले पक्के कर। अब ये मुझे तो ये लग रहा है कि इसने बोला है कि 10 साल आप अभी दुनिया में हैं, मुझे तो यही इशारा लगा है इनका। अगले जाम में जाके बाकी शो करूंगा। मैडम को, मैडम को क्या कहने लगा था? मैडम को पहला गाक आ गया देखिए, वो लड़का कह रहा है कि मांगने वाला नहीं है तो उसकी मदद करो ना। अच्छा आपके कहने का मतलब है कि ये मांगने वाला नहीं है, ये इनका बेसिकली शोभा है, ये क्या एक्टिंग कर रहा है, ये मांगने वाला नहीं है। अच्छा किस पे किया जाए? इधर आ यार भाई, इधर आ, मैं तेरी मदद करूं, इधर खड़ा हो। हाँ जी क्या चाहिए? फ्री दोगे? फ्री फ्री दोगे? फ्री दोगे यार, अगर तुम फ्री फ्री दे। अच्छी बात है, अगर आप दे रहे हो तो ये भी अच्छा है। अच्छा ये मुझे लगता है मुल्तान वाले बेचारों को बदनाम हमने किया हुआ है। वैसे जब भी कोई बंदा मिलेगा ना तो या मुल्तान का बोलेगा, या फैसलाबाद का बोलेगा, लाहौर का बोलेगा, इवन के लोग कराची का भी बोल रहे हैं कि हमने कराची जा रहे हैं जी, मेहरबानी करें मदद कर दें। तो ये थोड़ा सा हमें देखना चाहिए, आपको क्या लगता है ऐसा नहीं होता? अच्छा आपके ऊपर कभी ऐसा बुरा टाइम आया आपके ऊपर कि आपने कभी मांगा? जेब काट ली वो थोड़ा सा, उसका वो पकवान का वो था उसके पास, सच्चा हो सर ये देखिए मैं
बिजली से ताला करना मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ मांगने नहीं आया, मजबूरी है। तो फिर आप इसको क्यों कह रहे हैं कि ये मांगने वाला है? हो सकता है इधर निकल गया। हाँ, हो सकता है इसके भी सच में निकल। आप थोड़ा सा इंटरव्यू लूँ मैं? हाँ, इधर आओ। ले ना, इंटरव्यू ले। मुल्तान किस शहर के रहने वाले हैं? ठीक है ना, मेन शहर। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, चले चले। अच्छा बताए ना, गली, ब्लॉक, चौक, मल्ला? अच्छा तुम बेवकूफ हो ना, चांदनी चौक बोलते, मिलाद चौक बोलते, वो हर शहर में होता है, ये बोल दो करो ना, ठीक है? फिर गली नंबर 15, 16 कुछ इस तरह बंदा बोल देता है, झूठ करीब करीब बोलता है, तुम बहुत कोई लंबा झूठ बोल रहे हो। अच्छा नहीं, ये क्या आप सच सच बताओ तो हम आपकी मदद कर देते हैं, इस तरीके से मांगते हो आप? देख लो, अभी ये फोन करेगा 15 में। हाँ, अच्छा अभी सच सच बता दो। हमारी कौम जो है ना, गर्मी में वैसे गुस्से में होती है, इनको कोई बंदा मिलना चाहिए जो इनका गुस्सा उतार सके। देखो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर ना उतर जाए। क्या अगर ये मुल्तान का होता ना तो किसकी तरह होता? ये तो माशाल्लाह मुल्तान का लगता ही नहीं है। जी जी, ये आप बारे के साथ बदतमीजी करते रहते हो सर, ये बदतमीजी साहब, ये बदतमीजी नहीं है। अच्छा अक्सर लोगों को ना नहीं समझ आती, नहीं अगर आप उसको दे देते थोड़े बहुत तो इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, हो सकता है उसके वसीले आपकी रोजी बढ़ जाती। अच्छा ये देखे, मैं बस ये देखना चाह रहा था लड़की आ जाए, इस बंदे की लालियां जो है ना देखने वाली होती। हाँ, अब नया नाटक शुरू हो जाएगा। यार मेरी बात सुनो, वो पूछ ओ मखीला लामा भूया है। छोड़ दिया, ट्रक का जीरा छोड़ दिया। ओ रस्सी आ गया।
और दिहाड़ी पेंशन लाई जब उन्हें खाना भी आती थी तो उन्हें छोले खाई खाई मुझे सारे गांव खराब करी छोड़ेगा। आप क्या भजन करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं जी आजकल खारिज करता हूँ। यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है। नहीं नहीं भाई, इसके अलावा क्या करते हैं? खारिज के अलावा, खारिज के अलावा सुबह नाश्ता करता हूँ। नहीं यार, नाश्ता तो हम सारी करते हैं, मतलब उसके अलावा क्या करते हो? और क्या करते हो काम? उसके अलावा काम बहुत बड़ा करता हूँ, घर में अपनी कपड़े इस्त्री करता हूँ, फिर नहाता हूँ 11 बजे। नहीं यार, मैं पूछ रहा हूँ कि उसके बाद क्या करते हो यार? उसके बाद हाँ पूरी करता हूँ, कपड़े पहन के बाद जाके पूरी करता हूँ। यार पूरी क्या मतलब? बच्ची नहीं तो नाजरीन, जब आप घर से बाहर निकले और इन जैसे लोगों से बच के रहिए। हाँ, खुसूसी तौर पे लड़कियाँ, खुसूसी तौर पे नौजवान लड़कियाँ और बच्चियाँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन क्यों, तुर्की में कुर्बानी नहीं होती? हाँ ये भी, लेकिन घोड़े अच्छे हैं तो लेले भी तो अच्छे होंगे ना? नहीं, घोड़े किराया है। अच्छा, किराया। आप करते क्या मुझे बताएं ना, काम क्या करते हैं? मैं काम की काम रात को अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आके घर में खाना खाता हूं। जी जी, जिसे आप लंच कहते हैं। यार तुम्हारा धैर्य माश क्या है, पैसे किधर से कमाते हो? पैसे अल्लाह का बड़ा लाख हजार शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल मेरे। अच्छा करते क्या हो ये तो बताओ ना। जी 7 दिन अल्हम्दुलिल्लाह। पीर वाला दिन मंडे हफ्ते से? हफ्ते से? अच्छा असली पता है इसी जुमे है। अच्छा ठीक है, असली जुमे है छुट्टी का। अच्छा ठीक है, हफ्ते से आप जुमे या कायदा कर ले या पक्की छुट्टी वो तो होनी चाहिए। हफ्ते वाले दिन कब? आतवार वाले दिन, सोमवार वाले दिन, मंगल, बुध, बुध, जुमरात, जुमा छुट्टी 6 दिन के हैं। ये काम छोड़ी नहीं है, फिर नहीं मिलता ही। अच्छा मालिक साहब, एक मसला को जरा चैनल पे आप उजागर करें। जी जी जी, देखें हम रशे वाले हैं, ठीक है, हमें 400 रुपए की सवारी का कोई बात बन रही होती है, ऐसे बंदे आते हैं भाई जी भेजना, वो 80 रुपए में लेके चले जाते हैं। लेकिन देखिए, अब बंदे ने तो जाना है ना, उसको तो आसानी चाहिए, ठीक है। आप से हम आते भाई जी भी वो ऐसे बंदा है कि अल्लाह बाकी दे पीछे बंदा कल नहीं सीओ दे। लेकिन वो तो हराम कमाने का शौकीन है, उसको तो जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, बड़े से बात आए हो ना, आज तपे हुए हो। पुराने शो का गुस्सा तो निकाल लेना कहीं ना कहीं। जी जी जी, आपको बड़ा सुना जी, यकीन जाने आप जब जाते हैं ना, मेरा दिल पता क्या करता है, चैनल बदला। नहीं क्यों, क्या वजह क्या है, मतलब अच्छा अच्छा गाते हैं वो? दुखी बहुत गाते हैं। अच्छा, इन्होंने माँ वाला खाना शुरू किया। अच्छा माए नहीं मैं किन्नू मखा। अच्छा तेरे चार दाह नहीं डॉक्टरों के पास जा, हकीम के पास जा, जा। अच्छा, और तुम्हारी बखियों से ऊपर आ रही थी डर। यार देखो, एक तो तुम डर 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 ठीक है, डर डर ठीक है, ठीक है, हल्का जब पिकले की भोग किया है, ठीक है, उठो हल्का जब खब्बे, हल्का जब सब्जी हुए हैं। किस तरह हुआ? हल्का जब खब्बे, हल्का जब सब्जी हुए हैं। अच्छा, एक बार तो फिर बताना।
अच्छा एक बार, अच्छा एक बार फिर दिखाना, एक बार फिर ओए, अच्छा एक बार फिर बता तू अलका जी। हाँ ठीक है, समझ आ गया। फेफड़े ने दर्द से पूछा तो मैं तो अनु की अच्छा दर्द ने अच्छा दर्द ना माना, ठीक है, दर्द ने फेफड़ों से पूछा क्या तो अनु की होया फां कर रहे हो जी जी फां फां कर रहे हो यार उसके अच्छी बड़ी स्टोरी है, दर्द खत्म करो जी। अच्छा दर्द आया फेफड़ों गया फां फां क्यों कर फेफड़ों फां तेरे अंदर फां मोहब्बत हो गई अच्छा गया नहीं अच्छा बीच में तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें लेकर आई थी, लेकिन चलो उसको साइड करते हैं, स्टोरी फिर मजा नहीं आएगा। जरा शाहरुख वाला स्टाइल भी मारो, सलमान वाला, जरा मजा आए ना, शाहरुख और सलमान वाला। चलो अब अच्छा किसको फिर एक लड़का भी लाया जनाब, ओदी इस तरह करके ना है खुश होई है हैश की बस है कि खुश हो के दुआ मांग तो लगी मैं बाद ही पता चला चले एक सजे गांव के आई एक खबे है कि दुआ नहीं कर रही इन्हें एक खबे मारी है चांद से एक सजे मारी है अम्मी है क्या अम्मी बस दुआई है नू नहीं अपनी और ये चले आए और फेंकता है यार राम ना बड़े से बात आ गई हसन जी जब तुम्हारी यारी लाई है जब तुम्हारी यारी लाई है जिस दिन तू जा गया रकम ठीक है मेनू दे इजाजत ये इस तरह कर ले आ उठो फिर मिलो ए मेनू दे इजाजत ठीक है मेरा भाई अब दोबारा मिलेंगे ठीक है याद याद लाया करो बिल्कुल मिलते जुलते जाया करो ठीक है लाफी मेरा भाई ठीक है दस बहुत चलेगा साढ़े ठीक है फिर और ए आ गई फिल्म में जा उसी हंसी नहीं जाना है मैं तो मैं हो गई तो सो रहा बस ठीक मेरे बने तू दे अच्छा मैं एक बात कहूंगा कि है वो शरारती, लेकिन उसने बात ठीक की थी, रख लेते आप, किसी का काम हो जाता 10 मिनट के लिए। ठीक है ऊपर से ये आ जाते हैं कमजोर से लोग, ठीक है, ये पता क्या है, इधर से थोड़ी ग्रेवी खा ली, उधर से उसे थोड़ा ग्लास शरबत दे दिया, ये कंटूटे किस्म के लोग आप नहीं जानते, भी लेकर से हम आ ये वेले लोग हैं, कंटूटे नहीं है, क्या वेले लोग, उसने बोला तो है मैं बेलो तो टाइम पास इसी तरह पूरा दिन वो करेगा, आप लोगों का भी करेगा, आप जैसी खवातीन की जो आदत है ना वो बस वो खराब की, इसीलिए तुम्हारी कमाई नहीं होती। चलें जी छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। फुटपाथ को इसीलिए दिखाया कि गर्मी में अपना ख्याल रखें और अपनी
बच्चों का भी ख्याल रखें कि वो गर्मी में बाहर ना जाएं, खुसूसन छोटे बच्चों का। और आप लोग भी ख्याल रखो, गर्म का गीला कपड़ा मार रहे हो ना। जी चलते हैं रेहान की जाने को, सुनते हैं सॉन्ग। क्या रेहान, कौन सा सॉन्ग लेकर जी रेहान? नाज़रीन, आज की कुछ ताज़ा तरीन खबर ये है कि भाई ने बहन को मना कर दिया कुछ हिस्सा देने के लिए और बहन ने भाई के घर धरना दे दिया। और आइए देखते हैं कि भाई क्या कहते हैं। जी, ऐसे वाक़यात यकीनन
पूरे पाकिस्तान में पेश आते रहते हैं, और अक्सर बेशतर भाइयों को तो यही कहना होता है कि हमने तुम्हारी शादी पे खर्चा कर दिया, वालदैन से भी यही कहते हैं। लेकिन ये अनोखा वाक्य इसलिए भी अनोखा है कि बहन का ये मानना है कि सारा कमाया हुआ मेरा है जो भाई के घर में है। मैं जॉब करती थी, मैं बिज़नेस करती थी, अब मैं अपने घर जो गई हूँ नेक्स्ट, तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ गई है कोविड के बाद, और मुख्तलिफ हालात ऐसे हो गए हैं, क्या मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो चलते हैं उन बहन भाई की जानेब, और साथ मेरे हाल में एक साहब मौजूद हैं, मुझे समझ तो नहीं आ रही, औरत उनका तारुफ करवा नहीं रही, लेकिन मुझे ड्राइवर भी कभी कभार ये लगते हैं, और कभी कभार मैं बहरहाल बात करें। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं आप? ठीक ठाक। मुझे सलाम किया से तो मैं नहीं जवाब दे दियो, तुसी से दरवाजे ते बैठो। क्यों दरवाजे पे मैं बैठूं? मैं क्या इज्जत रे रुखसत कर रहा है? अल्लाह करे तुम्हारा जनाजा उसको रू निकले, लेकिन तुसी मुड़ थोड़ के फिर साडे बुवे मरते तो मैं जनाजे की पड़ गई है कि मेरा जनाजा वहां से निकले। बस ये मुझे मानना चाहता है कि इसलिए मुझे जायदाद में हिस्सा ना दे, बस इस वजह से ये चाहता है मैं मर ही जाऊं। अब इसे जनाजे मेरे निकाल रहे, जनाजे में हिस्सा दूंगा तो जनाजे में हिस्सा देगा मुझे? क्या मैं कब्र में लेके जाऊंगी? तुम जो घर के मकान के थले के बैठे। अच्छा भजन, आपकी शक्ल का जो नूर है वो बता रहा है कि आप हमेशा अच्छे फैसले मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके अल्लाह के हुक्म से मल्ले में नाम है। अच्छा सर, ये 7 दिन से हमारे बाय घर के थले पे, हमारे नहीं मेरा भी घर है, सिर्फ आपका घर नहीं है। तुम आके बैठ, मैं थले पे क्यों बैठी है? अच्छा नहीं, इसमें तुम अंदर आने नहीं देते ना, आपकी बदनामी हुई। बदनामी जी, उते थले उते सामने वाले चाय दे रहे हैं, चाय भी पी रही है। अगर इतनी तुम्हें शर्म आती है तो तुम हिस्सा क्यों नहीं दे देते मुझे? लव मैरिज शेरिश नहीं है, इन्होंने मुझे सर्च उतारने वाली बात की और इसके पल्ले बांध दी है। मैंने बताया, दिखाया, बताया शायद नहीं, जीजा जी बना रहे हैं पिक्चर, मुझे किसी और के दिखाई और बस मुझे इससे शादी करवा दी। जब ये पिक्चर थी तो क्या इनको कोई फिल्टर वगैरह लगा हुआ था या आप करते क्या? नहीं नहीं, इन्होंने मुझे पिक्चर ही और दिखाई, शादी इनसे मेरी करवा के इनके पल्ले बांध के खुद जो है ना खड़ा बेचारा भाईजान मंजी लावो तुसी ते बैठो। लेकिन आप घर क्यों नहीं, जायदाद क्यों नहीं दे रहे? जायदाद क्यों नहीं दे रहे? दे रहे जनाब। अच्छा, 3.5 मरले 7 फुट घर है। कितना है? 3.5 मरले 7 फुट। 7 फुट उसका फ्रंट है 21 फुट। कितना है जी? 21 फुट। अब मुझे बताओ, बीच में से दीवार चढ़ाएंगे 1 फुट हो जाएगी दीवार मोटी, पीछे रह गया 10-10 फुट। माशाल्लाह मुसूखा 6.5 फुट के थड़े पे लेटी हुई है। मुझे 3 फुट का घर, 3 मरले के घर के 7 फुट के थड़े पे मैं लेटी हुई हूँ। हाँ, तो मुझे 7 दिन हो गए जनाब, सामने वाले चाय दे रहे हैं, कोई इधर से खाना दे रहा है। मैं कहती हूँ अंदर आ, ये पानी ले, ये चाय ले, हमारी साइड करवा दिए, कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, नहीं करते। जो चीजें मेरी सूट भी आपको वही करता है, लेकिन जो मेरी यूज की हुई चीजें होती है ना उसको कबाड़ में बेचता है। किसका कबाड़ है? कबाड़ जी ये नहीं, ये मेरे पुराने जूते कपड़े हर चीज बेच देते हैं। कैसे बोलते हैं जैसे ये होता है कदरदान जिसको आवाज भी पसंद है। अबे चलो अबे चर दिया अखबार वे चचान पूरा वे ए लैला दी दिया तू पतीसा ए पुराने टीन डबे तू पतीसा। अच्छा ये लगता है पाकिस्तानी है, क्योंकि मतलब ये लैलन और ये आपके इंडिया में भी यही सारा कुछ चल रहा है और यही कल्चर है यार। ये होस्ट किसने बनाया? सिर्फ मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ उस बंदे को फायर मार रहा। आप छोटे नए साहब के ऊपर डायरेक्ट हमला कर रहे हो। ये देखिए, जब हिंदुस्तान पाको हिंद था पहले, हाँ जी, ये पंजाब और ये पंजाब बिल्कुल इकट्ठे थे। लेकिन वो सिख कल्चर, हिंदू कल्चर, मुस्लिम कल्चर में फर्क तो है ना? वो कल्चर आवाज चेंज नहीं हुई ना, मेरे नाना आपको यहाँ पे अलीम लगा रहे हैं जी पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ मतलब आपकी जो नानका है वो पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अलीम नहीं जगह जगह रमानी अलीम। हाँ हाँ, वो मेरे नाम के है ना। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप उनको फ्री ऑफ का तुम प्रमोट पुत्र करके जा रहे हो यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, वो ना ये सारे मेरे नाम के हैं। तो फोन पे बातचीत होती रहती थी, अब जरा फोन शून नहीं हो रहा। अच्छा, आपको मेन मसला सिर्फ जायदाद का है या कुछ और मसला भी है? नहीं देखें, अब वो बेचारा हस्बैंड है या आपका सिक्योरिटी गार्ड है, आप इसको इस तरह खड़ी करती हैं? आपने इनको चेयर भी मुझे स्टूडियो में नहीं देने दी, इनको साथ क्यों नहीं बिठा दिया? मैं क्या करूं, ये तो खामखा इन्होंने मेरे पल्ले बांध दिया, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। भाईजान पानी पीना? 7 दिन से तो खड़ा हूं पर कोई पानी नहीं मिला।
साथ में तो खड़ा हूँ कोई बात नहीं। देखें कैसे बंदे के साथ इन्होंने मेरी शादी की है, फिर कह रहे हैं कि इसके साथ रहो, इसके पास कुछ है ही नहीं, मैं इसके पास क्यों रहूं? मतलब यहाँ से आपके तीन बच्चे भी हो गए हैं तो फिर तो क्या करें, शादी जो की है फिर चलना तो पड़ता है ना, जिंदगी तो गुजारनी है, चलना तो पड़ता है ना। तो तुमने क्यों मेरी शादी करवाई इसके साथ? आपको लगता है कि मैं इस जैसे बंदे को पसंद करूंगी? आपको लगता है लंबा बंदा करवा के देता है? पहले जहाँ रिश्ते आए, अगर इससे गल करते हो जदाद दे सबा दी, पहले रिश्ते आए, अच्छा एक दूल्हा सी को 3 फुट 9 इंच, इसके जी ए बोना है, इसने ब्याह करनी, एक बेचारा आ गया मोटा जा, ठीक है चंगा मोटा है, पेट शेड निकलिया, मैं क्या इसना कहनी दिस इज अ हैवी वेट, मैं क्या दस तेरी चॉइस की है किसना ब्याह कर से, कहती माय लव इज टॉल मैन, पढ़ी लिखी सी, मैं बड़ा फिरया जी अगे पीछे हर जगह ते मैं फिर के टॉल मैन लभे, ब्याह कराया 6 महीने बाद कह रही है कहनी ए लभे बैठी हो तो तुम्हें फिर क्यों तकलीफ हो रही है? फिर तुम क्यों कह रहे हो लोगों से चाय ले रही है पानी ले रही है, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी इज्जत ये चीज गवारा नहीं करती, तो मुझे घर से हिस्सा दो। अच्छा एक मिनट, मैं अपने एक्सपर्ट की तरफ भी जाता हूँ, जरा उनसे एक्सपर्ट की राय तो लेनी चाहिए ना। जला हुआ है मतलब कहीं पड़ा हुआ था तो बैठे बैठे थोड़ा मसला हो गया। आप जरा बताएं जी क्या कहते हैं, इन दोनों में से आपको सच्चा कौन लगता है? मलक जी वो लड़की बिल्कुल सच्ची है। यार सलीम साल बदले, प्रोग्राम बदले, टीवी बदले, ठरक नहीं बदला, दुनिया में कोई मेरा ऐसा शो नहीं है जब लड़की और मर्द की बारी और इस शख्स ने किसी मर्द का साथ दिया। वजह क्या है? मलक जी आप बात में समझने की कोशिश, मैं कर रहा हूँ, वो लड़की बिल्कुल सच्ची है। ये जो इसका भाई है ना, ये असल में लालची है, इसने अपनी बहन की शादी इस जैसे ये जैसे वो लकड़ी का बांदर भी होता है। बात ये के मैं कुछ बोला फिर भी मैं ना बोला, अब वो बेचारा नहीं बोल रहा, चलेगा बोले। कुछ हिस्सा होगा वो थड़े भी बैठेगी ना, जब बाप जैसे भाई जो बेहिस भाई होंगे तो क्या होगा, और ये जो सलीम है ना ये दुनिया का ठरकिस्तान है, ये इसने जो कह रही है ऐसी लड़की बातें सुनिए अपने खानों को क्या कह रही, बकवास बंद करो। अच्छा इदरीस की शक्ल से नहीं लगता कि इतना जेन्युइन ओपिनियन दे पाएगा, लेकिन उसने भाई के किरदार पे भी उंगली उठाई है और बीवी के किरदार पे उठाई है, इसलिए सलीम के मुंह अगर बीच में होता तो मैं ताली बजाने की कोशिश करता। इदरीस मुंह इदरीस इधर मुंह लेकर आते हैं, मैं बीच में ताली बजाना चाहता हूँ थोड़ी सी। क्या बात, माशाल्लाह बहन की तारीफ भी कौन कर रहा है, ऐसा बंदा यकीन जाने उस टाइम बहन के घर जाता जब बलोई घर ना हो खाना खाने के लिए, जितनी मैंने कमाई की है ना शादी से पहले सारी इसी घर में लगाई है, ये कब्जा करके बैठ गया, फैसला हो गया, इसी घर में मैंने सारी कमाई लगाई। मेरी गल सुनो, सारे मार्शल स्टूडियो में कैमरा मैन लाइट मैन सारे पास मौजूद है, अच्छा घर इनके घर में बन सकता है, ऐसे बंदे से अच्छे की तो है। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, हाँ
हाँ देखे ना, खुद ही इसकी तारीफें कर रहा है। ऐसा बंदा अच्छा बन सकता है? अच्छा नहीं बन सकता है तो मुझे क्यों इसके साथ भेजा? इसके साथ मेरे हाल में इसकी ज्यादती की है कि एक मासूम सा सीधा साधा था, इसको हस्बैंड दे देते हैं ताकि जायदाद के बाद में हिस्सा ना मांगे, हक ना मांगे, ऐसा ही चक्कर हो सकता है। ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा देंगे बहनों का, ऐसा है जी बहनों का, एक एक चीज में ऐसा है। तो फिर दे रहे क्यों नहीं हो मुझे? हमारे पास दो घर में गुलदस्ते है ना फूल के, एक बहन का एक हमारा, कोई मसला नहीं है तेरा था ना बाकी साहब का ला। जिदाद और पैसे के अलावा हिस्सा, जिदाद और पैसे के अलावा हिस्सा। आप इनको जायदाद हिस्सा देंगे? देंगे क्यों नहीं, कब देंगे? आप कहते हो कि शादी, उसके तीन बच्चे हो चुके हैं, वो आपसे छोटी है, शादी पहले की है, उसके तीन बच्चे हो चुके हैं, तो आपको चाहिए ना आप उसका पैसा उसको देना। मैं दूंगा ना, मैं आपकी शादी करूँ, मेरा दिल कहता है मेरे बच्चे खुले छत पे खेले, अभी मैं दुआर हुई गिरे साइकिल ना चला सके, बड़ा मसला होता है। अपने घर वाले का इलाज करे तो फिर उसकी जो है ना वो एहसास करेगी। आप बताओ ये ऐसे कितना बुरा तुझ पे वक्त है पुत्र, तुझे वो भी कह रहा है पीछे रहे, वो इसलिए पीछे कह रहा है बेगम के हक में, पता है इसके छपड़ू आने वाले हैं, केस अदालत में पहुंच चुका है। असल में मुझे दोनों की समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं खड़ा ही रहूंगा बाहर। तो तुम चुप क्यों नहीं रहते, बोलते क्यों हो? कहते रहो खड़ा होकर, थक मुंह बंद रखो तुम। सात दिन से खड़ा हो गया भाई, आपको पानी नहीं देता, आप ही कुछ नहीं, आप बैठी हुई तो चले जाओ ना अपने घर, क्यों यहाँ पे मेरे पीछे आगे खड़े हो गए हो? मैं खड़ा हूँ हर टाइम मेरे दिमाग में खड़े रहते हैं। आप जरा उनकी एक्टिंग करके दिखाएंगे, वो कैसी एक्टिंग कर रहे भाईजान? लड़ पड़े गवर्नमेंट के साथ, इधर आए पाकिस्तान हमारे साथ, तो यहाँ पर जाके गवर्नमेंट वालों के साथ लड़ पड़े, मेट्रो के पुल के नीचे खड़े होकर रो रहे। मैं क्या क्यों होया भाईजान? कहना ठेकेदारों को ठेका दिया है मकान बनाने का, लेंटर इस जगह डाल के चले गए। नहीं मैंने ऐसे कहा कि आपको शर्म नहीं आती? ये कहते क्यों रो रहे? मैंने कहा आपने अपनी बहन को ऐसा नहीं दिया, इसलिए रो, थोड़ा सा दिखा दिया, खुद दे दे। देखे कैसा निकम्मा बंदा। तो माशाल्लाह भाईजान की भी 6 बहनें हैं। मैं आपने अपनी बहन को ऐसा दिया? इन्होंने क्या दिया है? क्या दिया है? बहुत कुछ दिया है, जो उसके हक में आता था वो दिया है, 2 कनाल जमीन दी है, बाकी कुछ नहीं दिया, पैसे वगैरह नहीं दिए। अच्छा 2 कनाल जमीन तो मेरी 3.5 मरला से क्या दुआ मांग रहे हैं? इसका भाई है लोग जी जी, आज 7वां दिन आप खड़े में बैठी है, इस कर अल्लाह जी बड़ा मजा आ रहा है, जो कुछ पैरू लोग देख रहे हैं चुपके रह जा अपने काम की तरफ। असल में आप कोई मेरी बात सुन, मेरी बात इदरीस आज से नहीं, मेरे साथ 11 साल से काम कर रहा है, ये हमेशा फीका था, फीका है और फीका ही रहेगा, अल्लाह की बड़ी रहमत। ठीक है, इसको शुगर कभी नहीं हो सकती क्योंकि इसने जिंदगी में जुगत ही ऐसी की है जो हमेशा फीका पर की है। सब अच्छी कर रहे हैं ये, से आप समझाएं थोड़ा सा। जी मैं समझाता हूं, ये मेरी बहन वाला काम करे, माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं इसका बड़ा भाई हूँ, मैंने पहले अपना हकूक अदा किया, मैंने पहले इसकी शादी की, मैंने कहा इसको पहले इसको रुख्सत कर लूं, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पर्सनालिटी को तो देख रहे हैं। जी जी, मैं मुझे अपने स्टैंडर्ड की लड़की अभी तक नहीं मिली। भी समझा देना कि अपनी बहन का हक अदा करे कि अगले दिन मुझे 6-7 दिन खड़ा रहना ना पड़े। अच्छा उसका मसला सिर्फ एक है और वो मसला यह है कि मुझे किसी जरिया बैठने दो यार, आप अपना कोई बिंडा लेके, आपको अपना बिंडा शिंडा लेके चला करें, कुर्सी शुर्सी लेके चला करें ना। ये तो ऐसे ही मेरे सर पे खड़ा हो जाता है, मैं तो उसको कहती हूँ घर पे ही रहो, मैं हिस्सा ले लूंगी। ये तो बस ऐसे ही हम खा में मेरे सर पे खड़ा रहता है, इसको तो और कोई काम नहीं है ना। मेरे भाई से ना मेरी बहन बात नहीं करती, लोगों को उतारता है ये मेरी बीवी है, साथ से चल रहा था सिर्फ बस इतने ये खुश है ना इस बात में। आप अब तो आपको मजबूरी है, अब तो आप रिश्ता कंटिन्यू करेंगी ना? तो वो तो फिर अब इन्होंने जनाजे के लिए भेजा जो है कि जहाँ पे शादी किया वहाँ से जनाजा निकलेगा, तो आप फिर कहीं लव स्टोरी वगैरह की थी? आपको ऐसे मर्द पसंद है इस तरह के? नहीं मुझे और ये जो इस तरह के नहीं मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं। मुझ में क्या कमी है? मैंने इसके भाई की तरह आप थोड़ा ब्रेक पे पांव रखे बोला करें, ब्रेक पे पांव रखे आप बोले आप आपकी ब्रेकें पक्की फेल है, थोड़ा आराम से आप बोले मुझ में क्या ऐसी कमी है कि इसका भाई जो है देखिए इसको ट्रेनिंग कर रहे तो हो सकती है। हाँ, लेकिन मुझे ये बताइए ये आपका प्रोग्राम कौन सी टीवी चैनल पे चलता है? बस
रोज पे चलता है फिलहाल, रोज पे इसे नेशनल ज्योग्राफी पे चलाया क्योंकि ज्यादा तो हां इस तरह के लोग तो अच्छा आज पहली बार हमने बुलाया देखने के लिए, इसके पहले हमारा नहीं ताल्लुक था, आज हमारे पास पहली बार एलिफेंट आया ना माशाल्लाह एलिफेंट आपको कैसी लड़की चाहिए, हमारी को होस्ट है उनकी भी शादी नहीं हुई तो वो जरा आप उनसे जरा अगर आपको वो पसंद है नहीं पसंद नहीं हाइट कम है आपको 6.5 फुट की चाहिए 6.5 फुट 6 फुट की पता जी ऊपर टंकी में पाइप लगाना होता है ना वो ताकि सीढ़ियां नहीं है ऐसे हाथ रख के ऊपर चढ़ जाए ठीक है मतलब नंबर बात मान ठीक है ठीक है जाले शाली भी होते हैं घर में तो 36 इंची नहीं है जनाब है जी आप हमारा तो थले ला अच्छा उजालो के आसान है जी जी और उसके बाद ये 6 फुट आई हो ठीक है उसके बाद लड़की की इतनी इतनी आंख हो इतनी थोड़ी बड़ी नहीं हो जाएगी आपका और बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट सीन हो जाएगा हाँ, वो गोरा चिट्टा रंग इसलिए ना होना जी जी कि वो जो बच्चे होंगे वो फिर मुझे पापा कहते हुए शर्मिंदा हो देखिए इसको पता है कि इसके बच्चे भी शर्मिंदा होंगे अभी से इसको पता है इसने शादी वादी नहीं करनी बस ये जायदाद में हिस्सा लेके बैठा हुआ है आपको मैं जायदाद में कब्जा करके बैठा हुआ है डिटेल से बता नहीं सकता आप मेरी बहन है नहीं तो मैं आपकी इसी तमीर बांधता हूँ फिर जी हल्की जी मेरे रंग दी हो गए जला हुआ रंग अमीर खानदान से होनी चाहिए अमीर नहीं चाहिए मुझे चाहिए बिल्कुल गरीब तरीन औरत सिर्फ एक प्लाजा मेन रोड पे जो मांग रहे हो अच्छा मेन रोड कहाँ पे कहीं भी अच्छी जगह अच्छा लाहौर कराची इस्लामाबाद मुल्तान बड़े शहरों में कहीं भी इस्लामाबाद कर दे बस ब्लू एरिया में कर दे कनाल दो कनाल का नहीं ना जनाब ये ज्यादती हो जाए अच्छा 5 कनाल तक किराए पे लगा हो तो मैं किराया आराम से बैठ के खा सकूं अच्छा इन सारी चीजों के बाद मुझे ये बताएं आपसे वो शादी क्यों करेगी मुझसे शादी इसलिए करेगी कि मेरे जैसा बंदा पूरी दुनिया में नहीं ऐसा बंदा मिल भी नहीं सकता ओनली वन मेरी बहन ऐसा मिल भी नहीं सकता मेरी बहन मेरे से बड़ी खुश है खुश हो सकती हूँ अगर तुम मुझे जायदाद में हिस्सा दो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी कनाल दा प्लाजा मैं अपने पियो वास्ते मांग रहे हो वो तो अपने लिए मांग रहे हो ना दो दुकान तेरिया मिलना तो फिर ऐसा करते हैं ना मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ दो दुकानें सिर्फ इसकी तो ठीक नहीं तो बिनोई देखो देखो तुम आप दुकानें मांगे जरा माशाल्लाह मेरे बलोई का मुंह ऐसे जैसे जामुन ही नमक काला लगाने वाला कह रहे हैं अच्छा क्या कह रहे हैं ये दुकानें नहीं देगा ये बहन का आग खाएगा नहीं तुम दुकानें ना दो अच्छा वो इस बात पे खुश है कि वो बिनोई है ये इस बात पे खुश है कि तू साला है मैं बलोई को एक चीज दे रहा हूं जी जितना भी प्लाजे के आगे पार्किंग का ठेका होगा भाई साहब का तुझे यही कह रहा हूँ 7 दिन खड़ा हूँ 1 महीना पार्किंग करके खड़ा हो जाऊंगा मिलेगा कुछ नहीं मैं साला साला ही रहेगा मेरा भाईजान ये कह रहा होगा गाड़ी गाड़ी पीछे और पीछे आगे जान लो आगे जान लो मिटी बो मिटी बो देखो जिस चीज के लिए आए हैं उस चीज का फैसला करो कागज काटना कितने अच्छा अभी मुंह से कागजों को छोड़ो प्रोग्राम वाइंड अप करना है बस मुंह से बता बिल्कुल जी माफी चाहता हूँ जी बहन है इधर तक ले आई है शरीकों में और अल्लाह माफी दे इंसान सुनते मेरी बात तो मुझे दुखना होता इस जैसे जूझ मजूझ भी सुन रही है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहन को हिस्सा दूंगा अच्छा 3.5 मरले में से 2 हिस्से मेरे अच्छा आप फिर बोले उसको क्या कह रहे हैं आप जूझ मजूझ टाइप ना कोई बंदा अजीब पूरी दुनिया के सामने अपनी भी शक्ल दिखाओ मेरी भी ये हैंडसम जवान आप तो देखा ही नहीं नहीं देखा नहीं देखा लमिटी बॉयज थे ते 1% इसको दूंगा जो इसका हिस्सा बनता है इसका बनता है 1 मरला और कुछ फुट बनते हैं वो ये मेरे से ले और असी खुशी रहे तो दो ना
कब दोगे? कानूनी तौर पे, कानूनी तौर पे ठीक है। नहीं तो जमीन का रेट है इस टाइम हमारे पास 10,375,000 रुपए मरला मरला, ठीक है। 3.5 मिले 30-35 लाख की जमीन। नहीं नहीं वो छोड़ो ना, इस वाली बात करो ना, चंद फुट। अच्छा जी। नहीं तो 12 लाख रुपए कैश ले तो जान छूटे। 12 लाख कैश क्यों लूं? ये जमीन हमारे बाप ने ली थी, लेकिन ये मकान मैंने खड़े किए हैं। तेरा प्यार बाप मुझे मुझे कम से कम 20 लाख चाहिए। कितना? 20 लाख मुझे चाहिए। मतलब 20 लाख रुपया दे सा। पक्का बात है? हाँ ठीक है, दो जी। है दो देखे ये इसी तरह टाल सालों से इसी तरह टाल रहे। डन हो गया जी, आज बस बात वही आ गई। इतना पैसा तुम्हारी ना मेरी मेरी बहन बता, आज के बाद देखो हम उस घर को बेचना नहीं चाहते। भाई घर है, कोई पैसा मिलता जुलता हो जाए। महीने के कितने पैसे दिया करूँ? नहीं मुझे महीने के पैसे नहीं चाहिए, वरना मैं गवर्नमेंट से कह के घर नीलाम करवा के अपने पैसे ले लूंगी। तो मैं तो कहती जी मलिक साहब फिर इस तरह करने हैं, ये अपना बिचू ना एक मरला 60 फुट जगह ही दे। कोई है आप में से लेने वाला हमारे घर में हिस्सा? जो मिलेगा उसके पैसे मुझे दे दे, मैं इनके साथ रह ले। मेरे साथ बेशक दीवार ना डाले, घर में एक कमरा ले ले। कोई है पैसे देने वाला? पैसे कितने? तुम चुप करो। यानी अगर आपका घर में आना जाना लगा रहेगा तो मैं खरीद लूंगा, कोई मसला नहीं। खरीद तुम 20 लाख मुझे दो, 20 लाख मुझे दो। मैं कभी कभी साल में एक चक्कर लगाती हूँ, तो उस टाइम तुम अपना कोई बंदोबस्त कर लिया करो, मैं आ जाया करूंगी। साल में नहीं, आपका भाई है, इसके तरफ दूसरे दिन चक्कर लगाए, तीसरे दिन लगाए, ये आपका मतलब जीता है क्या? महीने का 3,000 बैठा जी। अब इसका फैसला करीब लग गया, मुझे नहीं ज्यादा। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। बहनों का हक मत खाए, मत खाए, वरना अगले जहाँ आपको देना पड़ेगा। ऐसी शक्लें हो जाएंगी आपकी।